जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट ऐसे मिल रहे थे कि जैसे आपका फोन में कोई दिक्कत आई, आप सर्विस सेंटर जाते हो, सर्विस सेंटर वाले मुकर जाते हैं अंडर वारंटी वाले फोन के लिए। कई बार कहते हैं कि फोन में पानी चला गया, भले ना गया हो, भले आपका फोन नहीं जाता बट समटाइम्स मॉइस्चर चला जाता है, तो फिर वो वारंटी में काउंट नहीं करते। वैसे वारंटी में काउंट तो जो वाटर रेजिस्टेंट फोन आते हैं वो भी नहीं होते, तो नॉर्मल फोन को कहीं करेंगे। बट इससे भी ज्यादा सीरियस मुद्दा ये कि जैसे आप सर्विस सेंटर जाते हो ना, चाहे शाओमी हो चाहे सैमसंग हो, कोई भी ब्रांड हो, एबीसी, वहां पर क्या कह दिया जाता है आपसे, फोन पे स्क्रैच पड़ गया तो फोन वारंटी में नहीं माना जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैंने कई बार ऐसी वीडियोस बनाई है जिससे मतलब आप तक जितनी इन्फॉर्मेशन जा सके। पहले मेरे मन में आइडिया आएगी भाई, मैं ना ऐसे 4-5 फोन लेता हूँ, उनको स्क्रैच डाल देता हूँ, सर्विस सेंटर जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ बताओ ये रिपेयर होगा कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आ गई ना, मैं फोन पे स्क्रैच तो डाल सकता हूँ लेकिन फोन में मदरबोर्ड कैसे खराब करता, तो ये चीज तो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा खुद जाऊं सर्विस सेंटर और इनको कंडीशन देके पूछूं। फिफ्थ फ्लोर वीवो सर्विस सेंटर, थक गया इतनी जल्दी, लिफ्ट से चाहिए तुझे। फोन में स्टेमिना दिखता है जब गेम खेलते हैं। आईकू का भाई नहीं, वीवो का भाई, आईकू साथ में होता, दोनों का होता गया। कई सारे कंज्यूमर आते हैं आप लोगों के पास, फोन पे छोटा मोटा स्क्रैच पड़ा होता पहले से, उस केस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए सर्विस सेंटर वाले सीधा मुकर जाते हैं। डैमेज थोड़ी है ये, आपको क्या लगता है गिरा फोन, पॉकेट में चाबी रही होगी, कुछ रहा होगा तभी स्क्रैच आया है ना। सो ये काफी एक बिजी डे रहा पूरा, लेकिन काफी कुछ पता लगा किस तरीके से ब्रांड्स एक काइंड ऑफ हमारा काटने में लगे रहते हैं दूसरे तरीके, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी बाजार की होती है ना। लेकिन हालांकि ये कंडीशंस कुछ हद तक तो बहुत सही हैं, बट कुछ हद तक भाई थोड़े गिमिकी लगे मुझे। सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता रहे। खैर, मैं 3 सर्विस सेंटर गया, वीवो के, सैमसंग के और शाओमी के। इसी में पूरा दिन निकल गया मेरा, बिकॉज एज अ नॉर्मल कंज्यूमर बन के गया था तो सैमसंग पे तो 2 घंटे बैठा रहा मैं, शाओमी पे गया तो खाली खाली था, लंच टाइम में गया था। इन लोगों के सामने मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा कि भाई मान लो मेरा फोन है, मल्टीपल रीजन से स्क्रैच आ जाते हैं, कई बार तो हमें पता भी नहीं लगता कि हुआ क्या था फोन के साथ, बाद में दिखता है। और जब ऐसी चीजें हो जाती है, आपका फोन भले वारंटी में हो, अगर मान लो आपके फोन का मदरबोर्ड खराब हो या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो वारंटी में आती खराब हो जाए, ये लोग वारंटी नहीं देते, आपसे पैसा मांग लेते उस चीज का। तो सबने अपनी अपनी कहानी घुमाई। अगर इसके पीछे ग्लास हो, इनकेस अगर वो क्रैक हो जाए और उसका मदरबोर्ड खराब है, इसका मतलब हैंडसेट गिरा है, गिरने की वजह से मदरबोर्ड में इंपैक्ट पड़ा। नॉर्मली ये काफी सारे स्क्रैच अगर ऐसे ऐसे आ गया, नहीं अगर स्क्रैचेस हैं, देखिए स्क्रैचेस हैं, कोई हार्ड स्क्रैच नहीं है, मतलब ये इंपैक्ट नहीं है, ऐसे गिरा वाला नहीं होना चाहिए, गिरा वाला नहीं, इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से देखो, आप सीधा कहोगे गिरा है, कस्टमर हमेशा कहेगा कि नहीं भाई गिरा नहीं है, ये चाबी से आ गया, जेब में रखने से आ गया। और शाओमी इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रेट टू द पॉइंट रहा वारंटी ना देने के मामले में। बताता हूँ क्या कैसे, घूम फिर के स्टोरी सबकी एक ही निकलने वाली। जैसे बात करें सबसे पहले वीवो पे गया था, याद रखिएगा ये सर्विस सेंटर का मतलब ये नहीं कि आप सभी वीवो पे जाएंगे एक ही जैसी सर्विस आपको मिलेगी। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस, कौन से सिटी में सर्विस सेंटर है, कितना बड़ा सर्विस सेंटर है, कहाँ पे सर्विस सेंटर है और कौन आपके सामने मिल जाए बात करते हुए, इन सबके नेचर सब पे डिपेंड करता है। उनके सामने मैंने कंडीशन रखी तो मैडम का कहना ये था मदरबोर्ड खराब है और स्क्रैच लगे, तो उसे आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, टूटा नहीं होना चाहिए। आप खोल के देखा जाए ऐसा ना हो कि मतलब उसके इंपैक्ट पड़ा, पता चला मदरबोर्ड अंदर दबा हो जब खोला गया, वो सारी चीजें नहीं हो, क्रैक ना हो बेसिकली। मैंने कहा अगर मान लो मेरे फोन का बैक पैनल टूटा हुआ है, तो कह रहे भाई बैक पैनल टूटा है इसका मतलब फोन गिरा है, और गिरा है तो अगर उसकी वजह से मदरबोर्ड खराब हुआ है तो वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है फोन गिरता है ना तो शॉक लग जाता है इंटरनल पार्ट्स को, तो उसकी वजह से अगर वो वर्किंग ना करे, तो मैंने कहा पीठ के नीचे आ जाए और उसके नीचे कुछ चाबी वगैरह कुछ भी आ जाए, समटाइम्स टूटने के कंडीशन मान लो आप, तो फिर ऐसे में क्या करोगे। तब उन्होंने कहा कि ऐसे में हम चेक करेंगे। एक बात आपके मन में आई कि अगर प्लास्टिक बैग के साथ भी स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा लगे तो वो बुरा नहीं होता, उसके भी अपने फायदे नुकसान है, ग्लास के भी अपने फायदे नुकसान है। खैर, फिर मैं सैमसंग सर्विस सेंटर पे गया। सैमसंग सर्विस सेंटर पे जाने के बाद नई कहानी ये पता लगी, टैबलेट को लोग प्रीमियम में नहीं कंसीडर करते, चाहे 15,000 ले लो चाहे 1,00,000 वाला, गलत बात है, आईपैड लो। जिसपे मैं गया था, मैंने कहा ना सर्विस सेंटर छोटा होगा तो शायद ऐसी चीजें ना हो, वहाँ काउंटर में 2 अलग काउंटर बना दिए थे स्पेशल, जो लोग प्रीमियम यूजर हैं लाइक फोल्ड के, फ्लिप के, स्पेशली एस सीरीज के जो फोन वगैरह है इनके। बात करने का तरीका सबका अच्छा था। मैं अपना ना टैब S7 Plus ले गया था, फ्लैगशिप टैबलेट। मैंने कहा मुझे भी भाई स्पेशल लाइन में भेज दो, कह रहे नहीं जी टैबलेट नहीं आता हमारे स्पेशल वाले इस फीचर में, काउंटर में VIP काउंटर इन शॉर्ट। मगर पता है कितने का था और ये सबसे प्रीमियम टैबलेट है सैमसंग का, कह रहे नहीं आता, आप क्या करें रूल है। मैं कहा ये भी ठीक है, आप भी क्या ही गलत कह रहे हो, लेकिन ऐसे में सैमसंग से पूछना चाहूंगा आपका टैबलेट प्रीमियम है या नहीं है, ये चीज मैं
जानना चाहूंगा ऑफिशियली रिप्लाई कर सकते हो क्या? खैर वापिस चलते हम लोग अगले मुद्दे पे। मेन जब मैंने इनसे कंडीशन पूछी कि भाई फोन पे स्क्रैच लगे हुए या फिर मान लो फोन का ग्लास बैक टूटा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में मदरबोर्ड खराब होता है, कुछ भी अंदर खराब होता है, आप क्या करोगे? इनका कहना बड़ा स्ट्रेट था, फोन वारंटी में कवर नहीं होगा, पहले सबसे पहले आपको ग्लास चेंज करवाना पड़ेगा। अगर ग्लास टूटा हुआ फोन का, तब जाके वो फोन के अंदर जाके झांकेंगे, मतलब मदरबोर्ड पे तो जाएंगे नहीं जब तक आप ग्लास नहीं रिपेयर करवा लेते। मान लो ये बैक ग्लास है, ये क्रैक हो जाए फिर ऐसी सिचुएशन वारंटी मिलती है? नहीं, चाहे छोटा भी क्रैक होगा तो भी नहीं मिलेगा। क्रैक मिलता ही, क्रैक तो मिलता ही नहीं। इसमें सर्विस सेंटर का कहना ये है कि भाई मान लो ग्लास थोड़ा सा टूटा है, हम निकालें पूरा टूट जाए तो आप कहोगे कि हमने ग्लास तोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, कई बार क्या होता है इन ग्लास वगैरह को निकालने के लिए फोन को हीट करना पड़ता है, सीधी सी बात, तभी निकलता है। समटाइम्स वो ग्लास निकालते हुए इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं, बट सही तरीके से ये होना चाहिए। अगर कंज्यूमर कह रहा है कि ग्लास टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, भाई ये हमारी जिम्मेदारी है पर्सनल, आप बाकी चीज ठीक कर दो, हमें टूटा हुआ फोन दे देना, और टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा आप लिखवा लो, फिर आपको ठीक कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? तो एक तो ये कंडीशन है ब्रांड वालों की। एंड फाइनली गए हम लोग Xiaomi सर्विस सेंटर पे, वहीं जाके सीधा मैंने बात किया। भाई साहब इतना ज्यादा क्लियर आंसर कहीं नहीं मिला। मैंने अपना गैलेक्सी S22 अल्ट्रा दिखाया, जैसे इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक्चुअली ना बिना बैक कवर या टेम्पर के यूज करता हूं, तो अगर मैं अपने नाखून यानी कि नेल्स को इसके ऊपर से फेरता हूं तो उसमें फंसता है। मैंने कहा बताओ अगर एक ऐसा यूजर है उसका फोन गिरा तो नहीं है, जाहिर सी बात है स्क्रैच तो कहीं से भी आ सकता है, अब उसमें मदरबोर्ड खराब है तो उसका डिस्प्ले से क्या लेना देना? उनका कहना जी हम नहीं लेते। मैंने कहा किस कंडीशन तक ये जस्टिफाई करते हो कि कितना स्क्रैच एक्सेप्टेबल है? तो उन्होंने एक टेक्निकल टर्म बताई मुझे, 0.2 mm से ज्यादा स्क्रैच को वो वारंटी में काउंट नहीं करते। एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, 0.2 mm नहीं, 0.5 mm बताया उन्होंने। और अगर आपको नहीं पता 0.5 mm कितना होगा, ये मेरे पास एक स्केल है, स्कूल में सबने यूज किया, आपके पास अभी भी होगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 0 to 1 to ये सेंटीमीटर होता है, 1 cm में 10 mm होते हैं, तो आप देख रहे हो 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं। फिर मैंने उनसे थोड़ी बहस करी, मैं कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना भाई, मैं तो नहीं यूज करूंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं लगाता कवर, अब बताओ आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं फोन कैसे यूज करने वाला हूं, और फोन पे डिजाइन क्यों करते हो फिर अगर डिजाइन इतना खूबसूरत दिखाते हो? बंदा ना लगाना चाहे कवर इन केस, आई नो आप लगाते हो, बट मैं कंडीशन दे रहा था। तो फिर मैंने बता ही दिया कि मैं कौन हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, और सोच समझ के बताओ, ये जवाब जाना है भाई वीडियो में मेरे। तब एक और बंदा आ गया, जो ऐसा केस आता है सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं टेक्निकल टीम को, ठीक है कि सर ऐसे ऐसे नहीं, पिक्चर भेजते हैं, पिक्चर चेक करते हैं, बाकी हां ऐसा तरीके से प्रॉब्लम मदरबोर्ड से हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं पीछे से बात, हां बैक करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे डिसीजन नहीं लेते, मेन को की कंडीशन ओके है, वैसे तो है पार्ट से रिपेयर ना हो, क्योंकि आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम है, आप सोचे कि नहीं हम मदरबोर्ड चेंज करके मेरा फोन ऑन हो जा रहा है, मेरा वर्किंग में आ रहा है, पहले जो डैमेज है उसकी उसका बनना ही बनना है, लेकिन इसके पे हम टेक्निकल टीम की हेल्प लेते हैं, वो जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। तो उनका कहना यह था कि उस टिपिकल सिचुएशन में टेक्निकल टीम को भेज देते हैं, वो फोटो वगैरह क्लिक करके भेज देते होंगे, टेक्निकल टीम से रिप्लाई आता है कि हाँ ये वारंटी में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वो उस बेस पे आगे काम करते हैं। ये तो थे उनके रिप्लाई। अब मैंने कहा रिप्लाई तो सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना अलग अलग, तो मैं गया इन सब के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से ये पता लगता है कि मोस्टली ब्रांड क्या करते हैं, चार्जर रिमूव प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे सब करेंगे फ्यूचर में, जब तक कोई गवर्नमेंट इस पे लॉ नहीं बनाती। कहते हैं चार्जर हम रिमूव कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट बचाया जा सके, और यूजर के पास नॉर्मली चार्जर होता ही होता है तो क्यों दें? एट द सेम टाइम उनका कहना है अनऑथोराइज चार्जर या थर्ड पार्टी कुछ भी आप यूज करते हैं और उसकी वजह से फोन में प्रॉब्लम आती है तो वारंटी में काउंट नहीं होगा। हालांकि प्रैक्टिकली ये होता है कि आप किसी भी अच्छी कंपनी का चार्जर यूज करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती फोन में। और अगर आपके पास चार्जर नहीं है, नया लेना, तो कोशिश करिए उसी ब्रांड का ले लो जिस ब्रांड का आपका फोन है, ज्यादा बेटर रहता है, सेफ साइड रहता है। बट आप देख रहे हो ना, ब्रांड चार्जर भी रिमूव कर रहे हो, डबल वाली बातें भी कर रहे हैं, दो तरफा, इसीलिए मैंने ट्वीट किया था। याद रखिएगा, फिजिकल डैमेज अगर आपके फोन को होता है, आप उसको खुद खोलते हो या फिर थर्ड पार्टी बाहर जाके खुलवाते हो फोन को, कुछ भी रिपेयर करवाते हो, या फिर उस पे तगड़े वाले गिरने के निशान हो या टूटा हुआ फोन हो, डैमेज हो, ऐसे आपके वारंटी में नहीं आते। और ये वाला टर्म गलत नहीं है, बिकॉज आप उसको डैमेज कर रहे हो, भले जान के नहीं कर रहे हो बट वो डैमेज हुआ है, चाहे वो लिक्विड डैमेज हो या समटाइम्स मैंने कहा मॉइस्चर चला जाता है फोन में, प्रॉपर केयर ना किया जाए तो डैमेज हुआ हो। लेकिन Xiaomi का देखो यहाँ पे क्लियर कहना भाई, इस चीज को अगर आप पढ़ो, एक्ट ऑफ गॉड भी लिखा हुआ भाई, भूकंप आ जाए, लाइक बाढ़ आ जाए, आपका पानी पानी में चला जाए फोन, मतलब देखो यहाँ पे लेकिन एक बहुत ही सीधी लाइन लिखी हुई, इफ एनी डैमेज अकर इन और आउटर सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू क्रैक्स
dents, scratches on the exterior cases, screen, camera, lenses, button and other attachment. देख रहे हो, इसलिए वो मना कर गया था सीधा सीधा. ओप्पो का कहना भी यही है कि वारंटी कवर नहीं होगा, मैन मेड डैमेज वगैरह अगर किया जाए However, पैसा लेके रिपेयर कर देंगे. वीवो का कहना यह है कि डैमेज बाय स्क्रैच या ब्रोकन मार्क्स ऑन द बैक कवर, बटन, डिस्प्ले, स्क्रीन, एसेसरी कहीं भी हो वो चीजें रिपेयर नहीं होती. शाओमी ने भले डायरेक्टली मना किया बट घुमा फिरा के वीवो की स्टोरी भी वही आ रही, स्क्रैच वर्ड मेंशन है. अब जैसे अपने एक व्यूअर ने हमसे कॉन्टेक्ट किया, अब जैसे इनका कहना ना इन्होंने फोन पानी में गिराया, ना इन्होंने डैमेज किया, ना कुछ किया, लेकिन इसकी पेस्टिंग बाहर आ गई और एक कलर भी उतर रहा है और सर्विस सेंटर वाले ऐसा कुछ 2200 रुपए के आसपास डिमांड कर रहे हैं. दोस्त आपको मैं कहना चाहूंगा इस कंडीशन में मैं एग्री करता हूं कि आपने नहीं किया. कई बार हम ऐसा बैक कवर लगा देते हैं जिसकी वजह से हीट सही से नहीं निकलती, तो जो थर्मल पेस्ट होता है ना प्लास्टिक का वो छोड़ सकता है लॉन्ग टाइम में. हालांकि पेस्टिंग भी बाहर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब पेस्टिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन सेकंड केस जो आप दिखा रहे हो ना ये कलर वगैरह उतर रहा है, ये कभी भी नॉर्मल कंडीशन में फोन का कलर किसी बैक कवर का ऐसे बाहर नहीं आता. हो सकता है कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हो, कुछ ऐसा गया हो फोन के साथ जिसकी वजह से ये चीज हुआ हो, जो आपने जान के नहीं किया बट वो हुआ. तो यहाँ आपको सैडली मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हो बट आपको पैसा देना पड़ेगा. अब जैसे ये लॉजिकल केस था बट मोस्टली जैसे मैंने चार्जर वाला बहाना बताया, तो देख रहे हो छोटे छोटे तरीकों से किस तरह से बेवकूफ बना देते हैं सर्विस सेंटर वाले. और हर ब्रांड इसमें इंक्लूड है, कोई थोड़ा सा ज्यादा कोई थोड़ा सा कम, वीडियो से आपको अंदाजा लग गया होगा. अब ऐसे में देखो आपको क्या करना, मैं सिर्फ इतना कहूंगा ये सोल्यूशन नहीं है बट आपको जैसे मैं समझता हूँ आप स्टूडेंट है एक नॉर्मल यूजर है, जैसे मैंने कहा मैं अपने फोन पे टेम्पर्ड बैक कवर नहीं लगा रहा हूँ, अब मुझे देख के आप ना लगाओ ये तो गलत होगा, बट नॉर्मल यूजर को बैक कवर एक लगा लीजिए, टेम्पर उम्पर लगा लीजिए, ड्रामा इन लोगों का आप देख रहे हो. तो ये सारी चीजें की जाती हैं सर्विस सेंटर के द्वारा. थोड़ा सा आप भी स्मार्ट बनिए और छोटे मोटे स्क्रैच हो तो बिल्कुल आपका फोन रिपेयर होगा, ब्रांड को करना होगा. एक लिमिट अमाउंट से ऊपर ना हो स्क्रैच, फोन गिर के ना खराब हो बेसिकली, और बहुत तगड़े वाला स्क्रैच ना लगाओ. और अगर कोई ब्रांड नहीं करता रिपेयर तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रांड को कॉल कर सकते हैं या फिर ट्विटर पे जाके वो पार्ट वीडियो बना लीजिए या फिर आप उसका फोटो वगैरह क्लिक करके प्रूफ के साथ ट्विटर पे टैग करिए ब्रांड को. और डियर ब्रांड्स, आपको ब्रांड हो तो आपको सर्विस पे ध्यान देना चाहिए. आई होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इन्फॉर्मेशन को फैलाइए अपने दोस्तों के साथ भी जिसको दिक्कत हो. और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में.